खान फिल्म इंडस्ट्री में एक पायदान और आगे बढ़ चुकी हैं और जल्द ही वो विक्रम भट्ट की मूवी हैक्ड में नजर आने वाली है। लेकिन फिल्मों के अलावा हीना अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी ओपन है। वो बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल संग सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी फोटो शेयर करती रहती है। लेकिन हाल ही में हीना ने अपनी और रॉकी की शादी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, अपनी शादी को लेकर इंटरव्यू में हीना ने कहा है कि शादी बस एक फॉर्मेलिटी है और वो 2 साल के बाद शादी कर सकती है। इंडियन एक्सप्रेस के साथ हुई बातचीत में हीना खान ने अपनी शादी को लेकर ये बात की है। हीना ने कहा, मेरा करियर अभी बस शुरू ही हुआ है, इसलिए मैं अभी कैसे शादी कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ में पूरी तरह से सेटल भी नहीं हुई। शादी एक फॉर्मेलिटी है, पर हाँ, 2 साल या 2.5 साल के बाद मैं शादी जरूर कर लूंगी। खैर, हीना के जवाब से ये साफ है कि अगले 2 साल तक हीना अपने करियर पर पूरी तरह से फोकस करने वाली है। लेकिन इस इंटरव्यू में हीना ने अपनी अपकमिंग फिल्म हैक्ड और फिल्म के डायरेक्टर विक्रम भट्ट को लेकर एक बात भी कही। उन्होंने कहा, विक्रम भट्ट आपको हर चीज बताएंगे जो वो चाहते हैं। अगर आप उनकी चाह से थोड़ा ज्यादा कर ले तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। खुशकिस्मती से मैं और रोहन अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका करियर लंबा चलने वाला है। वेल, अब अगर वापस हीना और उनके बॉयफ्रेंड की हम बात करें तो आपको बता दें कि हीना खान लंबे समय से रॉकी जायसवाल संग रिलेशनशिप में है। दोनों सोशल मीडिया पर वेकेशंस की सेलिब्रेशंस की फोटोज को लेकर चर्चा में रहते हैं। पिछले दिनों मालदीव वेकेशन से हीना की ग्लैमरस तस्वीरों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इस वेकेशन में रॉकी भी साथ थे, लेकिन इनकी शादी को अभी काफी टाइम है, जैसा कि हीना ने साफ कर दिया है।